मैं डॉक्टर बीबी भारती, फोर्ड हॉस्पिटल का डायरेक्टर। हृदय की बीमारी के कुछ सिम्टम होते हैं, कुछ साइन होते हैं। जो इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है हृदय की बीमारी के, जो सबसे पहला जो सिम्टम है, जो ज़्यादा कॉमन होता है, चलने पर सांस फूलना। अगर आप अपने उम्र के लोगों से जल्दी अगर थक जाते हैं या सांस फूलती है, वो एक हम उम्र वाले लोगों से कंपेयर करना चाहिए। अगर 20 साल के हैं तो 20 साल वाले से कंपेयर कीजिए कि आप कितने जल्दी आपको सांस फूलती है। अगर आपको कम समय में उसे सांस फूलती है तो इसका मतलब समझिए कि आपको हृदय की बीमारी हो सकती है। ये गंभीर लक्षण है हृदय की बीमारी के। क्यों सांस फूलता है हृदय की बीमारी? जितना पंप करना चाहिए उतना पंप नहीं कर पाता है ब्लड। दूसरी जो सिम्टम होती है जो कॉमन होती है, जिसको बोलते हैं एंजाइना। लोग बोलते हैं कि ये जो छाती में दर्द हो रहा है, क्या हृदय का बीमारी के कारण हो रहा है या किसी दूसरे के कारण हो रहा है? अगर आपको चलने पर सीने में भारीपन हो, एक बड़े एरिया में, जैसे बीच में रेट्रोस्टर्नल बोलते हैं, या बाएं साइड में होती है, या बाएं बाँह में होने लगती है, दाएं बाँह में या जबड़ों तक जाती है, इसको एंजाइना बोलते हैं। अगर ये आपको चलने के बाद होती है कुछ मीटर कुछ मिनट्स, अगर आप रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अगर वो पेन सबसाइड कर जाता है, पेन ठीक हो जाता है, तो ये समझिए कि आपको एंजाइना ही है। जब चलते हैं आप, फिर चेस्ट पेन होता है, फिर ठीक हो जाता है रुकने के बाद, तो ये एंजाइना के अलावा कुछ दूसरा चीज़ नहीं हो सकता है। समस्या तब हो जाती है कि कभी कभी जो छाती का दर्द होता है, बैठे बैठे बहुत तेज़ समय तक होता है, 5 से 20 मिनट तक होता है, तो ये समझिए कि हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है, अगर पसीने के साथ होती है। तो ये क्यों होती है? ये जब जितनी ज़रूरत हो हार्ट को ब्लड लेने की, उससे कम सप्लाई हो रहा है, उस कारण से एंजाइना होती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सिम्टम है, जो जिसके बारे में हम सब बात करते हैं बार बार, धड़कन बढ़ जाती है, लगता है कि अब चल रहे हैं, मेरा हार्ट रेट बहुत बढ़ गया है, ये हो सकती है पाल्पिटेशन बोलते हैं इसको। इसमें कभी कभी क्या होती है कि हार्ट का गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हार्ट के मरीजों में, उसको बहुत सारी बीमारियाँ के कारण होती है हार्ट के, जैसे वाल्व के कारण, मायोकार्डियल डिजीज के कारण, या हार्ट कमज़ोर होगा तो हार्ट का धड़कन कुछ नॉर्मल से ज़्यादा चलने लगती है, उसको पाल्पिटेशन बोलते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है हार्ट के मरीजों में। चौथी जो होती है, जो सिंकोप बोलते हैं, कि अचानक बेहोश हो गए फिर होश में आ गए कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, तो इस समय समझिए कि आपको कहीं ना कहीं हार्ट की गति कम हो जा रहा है या बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अगर हार्ट की गति कम हो जाती है, जिसको बोल अभी बात करता हूँ मैं, साइनस नोड डिजीज़ का, चाहे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, इसके कारण हार्ट की गति अचानक 30 से कम हो गई, आप बेहोश हो गए, तो समझिए कि आपको एक गंभीर समस्या है, जिसको बोलते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक या सिक साइनस डिजीज, इसमें हार्ट की गति कम हो जाती है। हार्ट के मरीजों में जो प्रायः देखा गया कि वो रात में सोते हैं 2 घंटे, उसके बाद उठ के बैठ जाता है, लगता है उनका सांस अंदर नहीं जा रहा है, इसको एक हार्ट फेलियर का साइन है। इसमें क्या होता है कि अगर 2-3 घंटे मरीज सो जाता है, फिर अचानक उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, अब जब बैठ जाता है थोड़ा घूम लेता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है, इसको बोलते हैं PND। चौथा जो सिम्टम होता है, अगर बहुत ज़्यादा सीरियस टाइप का हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उसमें मरीज लेट नहीं पाता है, बैठता है तब ठीक हो जाता है, लेटता है तो उसको सांस फूलने लगती है, इसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया। ये गंभीर समस्या है, ये समझिए कि ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप लेट नहीं पा रहे हैं तो समझिए कि आपको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, फेफड़े में पानी भर रहा है, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, ये तुरंत ही नज़दीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चाहे नज़दीकी इमरजेंसी में जाना चाहिए। ये कुछ कॉमन सिम्टम है हार्ट की बीमारी। कभी कभी क्या होती है कि बहुत मरीज बहुत देर तक टॉलरेट करता है कोई भी सिम्टम, जैसे जो पैर फूलना है, चाहे पेटों में सूजन आती है, तो बहुत ये मरीज ये समझिए कि बहुत लेट अवस्था में चला गया है, इसके कारण दाहिने साइड का हार्ट में कमजोरी है, चाहे वो पंप ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो ये जो बीमारी है लेट प्रेजेंटेशन है किसी भी हार्ट के मरीजों में। ये अगर किसी को इस टाइप की सिम्टम होती है तो समझिए कि ये हार्ट से रिलेटेड हो सकती है। जब किसी को हार्ट अटैक हो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारे लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि हार्ट अटैक एक ऐसी समस्या है जिसमें समय कम है, इलाज सबसे ज़रूरी है। अगर
आपको लगता है कि मुझे हार्ट अटैक का पेन हो रहा है, ऐसा पेन जो पूरे छाती में हो रहा है और बाएं बांह में जा रहा है, जबड़ों में जा रहा है, पेट के ऊपरी हिस्से में पसीना आ रहा है, ज़्यादातर समय में यह हार्ट अटैक का ही सिम्टम है। खासकर ऐसे लोगों में जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा होते हैं, जैसे पेशेंट डायबिटिक हैं, ओल्ड एज ग्रुप पे हैं, जब बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो ऐसे लोगों में इस टाइप का पेन ये डिनोट करता है कि आपका हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। इसमें इलाज तुरंत स्टार्ट करना चाहिए। क्या चीज़ सबसे पहला इलाज है ये सभी को जानना चाहिए। मैं एंटी प्लेटलेट के बारे में बात कर रहा हूँ। एंटी प्लेटलेट में डिस्पिन की गोली सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको लगता है कि हार्ट अटैक का पेन हो तो डिस्पिन की गोली तुरंत चबा के खा जाएं। उसके साथ अगर क्लोपिडोग्रिल अवेलेबल है, एक दवा होती है एंटी प्लेटलेट, तो उसको भी ले लें। कभी भी भूल कर कोई भी पेन किलर नहीं लें। आइबुप्रोफेन, चाहे आपको ट्रेमाडोल, चाहे इस टाइप की दवाइयाँ कभी भूल के नहीं लें। अगर आपको हार्ट अटैक का पेन है, वो क्या करता है, आपका खतरा जीवन का बढ़ा देता है, डैमेज बढ़ा देता है मायोकार्डियम का, और क्या होता है थोड़ी देर के लिए सबसाइड कर देता है पेन को, हार्ट अटैक के पेन को भी। तो कभी भूल के भी ऐसी गोलियाँ नहीं रहे पेन किलर, अगर हार्ट अटैक का पेन हो। ज़्यादातर लोगों ने क्या किया कि दवा खा लिया, पेन सबसाइड हो गया, और उसमें क्या होता है कि जब पहुँचते हैं हॉस्पिटल तब तक उनका काफ़ी जो मांसपेशी हार्ट की डैमेज हो जाती है, उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो ऐसे में जीवन का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर डैमेज हो गया तो आप समझिए कि ऐसे स्थिति में जान का खतरा बहुत ज़्यादा है। जो जानकार कम है उनको लगता है कि गैस ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। गैस से कभी आपके जीवन का खतरा नहीं हो सकता, लेकिन हार्ट अटैक से आपका जीवन का खतरा है। इसका कोई एज ग्रुप है नहीं। ज़्यादातर पहले जो होता था देखा गया था ओल्ड एज ग्रुप में, ज़्यादातर 50 साल के बाद, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इवन लोग 40 साल के कम हैं उनमें भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि उनमें रिस्क फैक्टर काफ़ी हैं। खासकर इंडियंस लोगों में ऐसा देखा है, जेनेटिकली चाहे लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, स्मोकिंग, बहुत सारे फैक्टर हो गए हैं यंग में जो हार्ट अटैक के खतरा को बढ़ा देता है।